बिल्कुल दोस्तों, आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और ये आपके कंपटीशन एग्जाम रेलवे बोर्ड MPPSC और RRB NTPC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोस्तों पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। हाल ही में 31 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस के दृष्टता के रूप में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों ये रहा 40वें स्थान पर रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, तीसरा क्वेश्चन देख लो। रॉयल ग्रीन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? रॉयल ग्रीन ने सोनू सूद को। किसे किया? सोनू सूद को। हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट डे अगला, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया, किसे अभिनेता को दिया गया? तो दोस्तों ये इरफान खान को दिया गया। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से श्रेष्ठ अभिनेता कौन है? इरफान खान को दिया गया। और हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है? तो वज्र प्रहार। कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है? वज्र प्रहार। ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा MPPSC के लिए। और सातवां क्वेश्चन अपने पास देख लीजिए, हाल ही में 2020 का सर्वश्रेष्ठ सम्मान किसे मिला? तो मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिंबावे को मिला। मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिंबावे को। हाल ही मेंस ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जीत थाइल ने। जीत थाइल ने। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश माउंट मेराकी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हाल ही में DRDO ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रेषण किया? तो मिशन शक्ति मिसाइल, मिशन शक्ति मिसाइल। और नेक्स्ट है, WWE द्वारा किस भारतीय पहलवान को हॉल ऑफ फेम 2021 से सम्मानित किया गया? ये महाबली खली। कौन सा पहलवान? महाबली खली। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।